सो ऑल आई जी वेलकम बैक टू अनदर वीडियो इसमें हम बात करेंगे एक ऐसी एप्लीकेशन की जो कि बहुत ही यूज़फुल है जब आप रेफरेंस इमेज़ की बात करते हैं आप कोई भी काम कर रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगो डिज़ाइन कर रहे हैं फ्लाय ब्रोशर्स या आप थ्री डी पे वर्क कर रहे हैं और आपको रेफ्रेंस इमेज चाहिए होती हैं जिनको सामने रख कर आप एक आइडिया लेते हैं सो दिस एप्लीकेशन इज़ स्पेसिफिकली फॉर दैट पर्पज़ दिस इज़ प्योर एफ आप प्योर एफ़ डॉट कॉम पर जाकर यह एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं अपने पीसी में बहुत ही सिंपल है आप जस्ट यहाँ के यहाँ से डाउनलोड करें और इसको अपने पीसी पे इंस्टॉल करें जब हम इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं सो इट्स गोना प्रेजेंट अस विद अ सिंपल इंटरफेस जो कि काफ़ी अपल्लीकेशन के ऊपर ओवरलैप भी हो जाती है जैसे आपने ये देखा कि एक ही अपल्लीकेशन ओपन हो चुकी है अब इसका पर्पज़ क्या होता है इसका पर्पज़ यह है कि हम नेट से कोई भी इमेज़ जो हमें पसंद आ रही हैं या हम देखते हैं कि हम कोई लोगो डिज़ाइन करें फॉर एन एग्ज़ाम्पल लेट इस गो हम चाहते हैं कि हम एस के साथ कोई लोगो डिज़ाइन करें सो so, हम गूगल पर जाकर सर्च करते हैं कि क्या हमारे पास क्या आइडियाज़ आते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि मैं जो अपने लोगो बनाने वाला हूँ उसमें मेरे पास क्या क्या आइडियाज़ हूँ सो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये इमेज है मैं चाहता हूँ कि इसको मैं एज ए रेफरेंस स्टोर कर सकूँ ताकि बाद में जब मैं लोगो डिज़ाइन कर रहा कराऊँ तो मैं इसको देख सकूँ सो so, मैं इसको सिंपल यहाँ से ओपन करूँगा इस इमेज को जैसे ये इमेज ओपन होती है मैं इसको जस्ट यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा हमारी प्योर एफ एप्लीकेशन में so yep, सो इट्स के न स्टोर आवर या आप इसको जूम इन जूम आउट करके रख सकते हैं एंड लेटेस्ट को हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे कोई और एग्जांपल देख लेते हैं हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें यह भी एक अच्छा लग रहा है तो हम इसको ओपन करते हैं जैसे ही ओपन होती है सो वी गोना डू द सेम थिंग कि हम इसको यहाँ से एंड ड्रॉप करेंगे इन आवर एप्लीकेशन सिंपली लाइक दिस और इसमें यहाँ पे इसका भी एक रेफरेंस हम इसको यहाँ पे रिपोजिशन भी कर सकते हैं फॉर एग्जांपल ये इसमें बस ये फीचर भी है कि हम इसमें लेबल्स भी दे सकते हैं फॉर एग्जांपल हम कंट्रोल एन करते हैं तो यहाँ पे हमें नोट लेने के लिए गएगा हम कह सकते हैं कि ए एस लोगो एस पी प्रशन सो so, हम इसको यहाँ पे एज तो, इसको चेंज भी कर सकते हैं हम इसे कोई कलर दे सकते हैं ओके okay? सो so, ये हमारा टेक्स्ट कलर है और राइट right. So, हम इसको यहाँ एंड ड्रॉप कर सकते हैं इसके अंडर हम अपने जितनी भी इमेजेस हैं हम इसको यहाँ स्टोर कर सकते हैं फॉर एग्जांपल हम ये भी कर लेते हैं हम यहाँ से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं यहाँ पे और इसको यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं सो so, ये भी लोड कर रहा है इट डिपेंड्स ऑन द इंटरनेट स्पीड उसके बाद हम जाते हैं फॉर एग्जाम्पल हमें ये अच्छा लग रहा है डिजाइन सो हम ये इमेज उठाएंगे एंड सिंपली इसका एंड ड्रॉप करेंगे हमारे प्योर एफ एप्लीकेशन में ये आ गई है क्योंकि तो इसका साइज़ बड़ा था इसलिए इसने बहुत बड़ा साइज़ करके हमें दिया है तो हम इसको यहाँ पे एज हमारा क्योंकि तो हम जोन जौन साइज़ वो हमें इंटरनेट से उठाएंगे और वो साइज़ ही सेम इट इज़ हमें यहाँ पे दे देगा सो तो हम इसको यहाँ पे एज अ रेफरेंस रख सकते हैं सो तो हम इसको ज़ूम इन जूम आउट करके जितना बड़ा भी बोर्ड बेशक हमारा ये आक्यूपाइज सारा हो जाए हम इसको मज़ीज़ जूम आउट कर सकते हैं सो इट्स के ना इन स्पेस इज़ नेवर ने रन आउट सो दिस इज़ द थिंग सो जब आप इलस्ट्रेटर में आते हैं या किसी भी अपल्लिकेशन में आप काम कर रहे हो और यहाँ पर डिजाइन कर रहे हो सो आपको अब स्टार्ट करना है सो so, आप सिंपली जाओगे अपनी एप्लीकेशन में देखोगे अच्छा यार मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ सो मेरे पास ये आइडियाज़ भी हैं अच्छा मेरे पास ये आइडियाज़ भी इसमें मूवमेंट का ये तरीका है कि आप मिडिल माउस बटन को प्रेस एंड होल्ड करोगे और ड्रैग करोगे सो इट्स कना लेट यू पैन ओके और मिडिल माउस बटन को आप जूम इन जूम आउट करोगे इट्स कना लेट यू जूम इन एंड जूम आउट सो दिस इज़ हाउ यू कैन डू थिंग्स ओके कंट्रोल एन से आप नोट्स ले सकते हो और उसके बाद आप यहाँ से कर रहे हो एंड सिमिलरली आप अगर ब्लेंडर पे काम कर रहे हो या किसी थ्री डी एप्लीकेशन पर काम कर रहे हो सो इट इज़ द सेम प्रोसेस आप जो भी वेबसाइट्स uh, हैं जहाँ से आप रेफरेंस ले सकते हो फॉर एग्ज़ाम्पल थ्री डी मॉडल्स के लिए या उसकी एस्पीशन के लिए एक बहुत ही बेहतरीन साइट है जिसका नाम है आर्ट स्टेशन डॉट कॉम यहाँ पर आप जाके बहुत ही खूबसूरत मॉडल्स एस्परेशन आइडियाज़ डिज़ाइन सब कुछ यहाँ पर आप देख सकते हो कि लोग यहाँ पे इंडस्ट्री में कर क्या रहे हैं कम्युनिटी में क्या कर रहे हैं फॉर एग्जांपल कोई भी आप चीज़ ले लो यहाँ से उसकी इमेजेस भी हैं सेम इस तरह आप उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दोगे अपने आर्ट बोर्ड में एंड इट्स कन कीप इट नाइस एंड टायरी देखिए हमारे पास ये एप्लीकेशन आ गई हम इसको यहाँ पे करते हैं और यहाँ पर हम इसको नया नोट दे देते हैं कि गेम आइडियाज ओके तो इस तरह हम इसको अपना अलग अलग आर्ट बोर्ड सेट करते जाएंगे सो हमें ये भी सेव करना है सेम इसको हम उठा के अपने यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और ये हमारे पास आ जाएगा सो अब जब भी हम ब्लेंडर में या किसी भी एप्लीकेशन में होंगे सो हमने सिंपल क्या कर करना है कि अच्छा हमने इसको यू मॉडल कर रहे हैं ओके सो सीधा हमने जाना है अपनी एप्लीकेशन में उसका हमने डिज़ाइन देखना है कि ये कैसा था और आपने अगर इस एप्लीकेशन इंटरफेस जो हमें शो करा रहा है इसको आपने इधर उधर मूव करना है तो द प्रोसेस इज़ कि आप इसके ऊपर कहीं भी राइट right क्लिक करें और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप साइड पे ऊपर नीचे कर सकते हैं सो so, आप इसको देख सकते हो अच्छा में ये चीज़ चाहिए था ओके सो so इसके टायर्स कैसे आ रहे हैं और राइट सो हम इस तरह कोई भी चीज़ है अपने रेफरेंसेज स्टोर कर सकते हैं सो इट इज़ अ वेरी गुड एप्लीकेशन जो भी डिज़ाइनर्स हैं थ्री डी है टू डी हैं लोगोज बना रहे हैं सो so, किसी भी काम के लिए आपको अगर रेफरेंस इमेजेस चाहिए तो दिस इज़ द गो टू एप्लीकेशन फॉर The artist people. So, I hope it was a useful one. And until next time, take care. Bye.